उसके बाद में शक्तिपात, शक्तिपात का तात्पर्य जब आप गुरु बन जाते हैं, देखो सब बीज के बाद मैंने इसको सिस्टम लिया है, पूरे सिस्टमेटिक समझा रहा हूं कि आप शुरू में कहां से कर रहे थे, अब कहां पहुंच रहे हैं, अब आप गुरु स्तर पर जब पहुंच रहे हैं और गुरु स्तर पर पहुंच के जब दूसरे शिष्य को आप तैयार कर रहे हैं बीज दीक्षा देते हुए, मगर उसके बाद भी यदि शिष्य सीख नहीं सके या उसको सफलता नहीं मिल सके किसी कारण से, पुराने पापों की वजह से, पुराने जन्मों की दोषों की वजह से, ज्ञान की न्यूनता की वजह से, एकाग्रता की न्यूनता की वजह से, किसी वजह से अगर शिष्य सफलता नहीं प्राप्त कर सकता हो और यदि बराबर सेवा करता है तो गुरु अपनी संचित तपस्या की शक्ति उसको देकर के भी सिद्धि प्रदान कर दे, उसको शक्ति पात कहते हैं। और शक्तिपात मंत्र है ओम सम्मोहनाय, सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रदाय हुम, सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रदाय हुम। अगला प्रयोग है कायाकल्प सिद्धि, इसकी माला मैंने आपको बता दी कि आपको एक माला जपनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 16 माला है, एक मिनट जपना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट है, आप जो भी आपके लिए एडजस्ट होता उतना करिए, क्योंकि मैं इतना प्रयोग दूंगा तो रोज 4 घंटे आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए रोज 2 प्रयोग करें, फिर 2 के बाद फिर 2 प्रयोग करें, ऐसा कर सकते हैं। टाइम लिमिटेशन 24 मिनट होती है, माला लिमिटेशन 16 माला होती है। कायाकल्प के बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जिस प्रकार से सांप अपनी पुरानी कैंचुल को, पुरानी त्वचा को, चमड़ी को छोड़ देता है और नवीन त्वचा धारण कर लेता है, कायाकल्प के माध्यम से तो संभव है, क्रिया योग के माध्यम से तो संभव है, मगर कायाकल्प मंत्र के माध्यम से भी जीवन की सारी बीमारियों को, रोग को और कमजोरी को दूर किया जा सकता है, इसको कायाकल्प कहते हैं। और नित्य एक माला मंत्र जाप तो इसकी करनी ही चाहिए आप लोगों को। एक किसी पात्र में पानी भर दें 2-4 तोला और पानी के बीच में उस यंत्र को रख दें और फिर मंत्र जाप करें। मंत्र है सह अमृतम पूर्ण कायाकल्पम परमम वै नमः। और एक माला मंत्र जाप करके उस यंत्र को उस पानी से बाहर निकाल दें, उस पानी को आप पी लें, ऐसा आप नित्य करें। विसर्ग, सह का मतलब सह का के 2 विसर्ग। और उसके बाद है ब्रह्मत्व सिद्धि प्रयोग, ब्रह्मत्व सिद्धि का मतलब है कि व्यक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त करते हुए अंत में उस ब्रह्मत्व में लीन हो जाए जिसको अजर अमर कहते हैं, या जिसको पूर्ण आयु प्राप्त कहते हैं, या जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं, या जिसको परमहंस अवस्था कहते हैं, जहां मृत्यु व्याप्त नहीं होती, पूर्ण व्यक्ति ब्रह्ममय बन जाता है। ऐसी ब्रह्ममय सिद्धि के लिए मंत्रों के माध्यम से भी संभव है। और वह मंत्र है, 5 अक्षर हैं, ब्रह्मा वै रसः, इसमें ओम प्रणव नहीं लिखता, ब्रह्मा वै रसः, र स और आगे 2 विसर्ग। ये सारे यंत्र, वही माला, एक माला, यदि आपके लिए अलग अलग मालाएं आप नहीं प्राप्त कर सके तो केवल खड्ग माला के माध्यम से भी प्रत्येक प्रकार की साधना संपन्न कर सकते हैं। संसार की जितनी भी साधनाएं, वे सभी साधनाएं खड्ग माला के माध्यम से कर सकते हैं। और पारद गुटिका अपने सामने रख करके साधना करने से बाहरी किसी प्रकार का प्रकोप व्याप्त नहीं होता, साधना में किसी प्रकार का व्याघात नहीं आता, किसी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर कोई आपकी साधना में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं कर सकते।
इसीलिए उस भगवान शिव के वीर्य प्रतीक को पार्व के रूप में सामने रखा जाता है, जिसको पार्व गुटिका कहा जाता है। और आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाए, उस पूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं उसको सफलता मिले ही, उसको सच्चिदानंद स्मृति चिन्ह जो है उसको अपने सामने रख करके मंत्र जाप करना चाहिए, तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मैंने आपको उन तीनों वस्तुओं को भी, इन 12 वस्तुओं को इसलिए प्रदान किया कि जीवन में आप सभी प्रकार की साधनाओं में निष्णात हो सके, सफलता प्राप्त कर सके। मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी आपके मन में उमड़न गुमड़न थी या जो कुछ भी आपके प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को मैंने इन 12 वस्तुओं को किस प्रकार से आप उसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग का तात्पर्य क्या है और किस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, वह मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको सफलता मिले, आपको सिद्धि मिले और जीवन का आप पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें।